नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा। शाम के 5:30 बज चुके हैं और अगले आधे घंटे तक आपके सवालों का सबसे बड़ा मंच तैयार है। अगर आपने कमोडिटी में ट्रेड किया है या फिर नया ट्रेड करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि आपके लिए कहां पर कमाई के मौके हैं, तो आप सवाल पूछिए। नंबर आप नोट कर लें जिस नंबर पर आप सवाल पूछ सकते हैं, 0222300 1634। इसके अलावा आप 0222300 1635 पर भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। और आज हम सबसे पहले बात करेंगे एक बड़ी एक्सक्लूसिव खबर की, और खबर यह है जो हमें सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है, वो ये कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की समय सीमा बढ़ेगी। ये हमें सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है। और आपको बता दें कि 30 नवंबर को यह समय सीमा खत्म हो रही है। कोरोना काल में पीएम ने गरीबों के लिए ऐलान किया था कि गरीबों को, गरीब परिवार को 5 किलो गेहूं या चावल और 1 किलो चना दिया जाएगा। इसकी समय सीमा बीच में बढ़ाई भी गई और बाद में इसे 30 नवंबर तक कर दिया गया था, लेकिन अब इसे और 30 नवंबर के आगे भी बढ़ाया जाएगा। ये हमें विश्वस्त सूत्रों से जानकारी मिली है। इसको लेकर जल्द ही 1-2 दिनों में ऐलान हो सकते हैं। मतलब ये कि आगे भी गरीबों को सस्ता अनाज मिलता रहेगा। ये एक बड़ी खबर इस वक्त की आप देख पा रहे हैं। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ ऑल इंडिया पल्सेस के प्रेसिडेंट विमल कोठारी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आईपीजीए के, इंडियन पल्सेस एंड ग्रेन एसोसिएशन के। विमल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मेरा पहला सवाल आपसे ये होगा कि क्या आपको लगता है कि वाकई ये योजना बढ़ाई जानी चाहिए? पहला सवाल तो मेरा ये, ताजा हालात को देखते हुए। मृत्युंजय जी, देखिए ये तो जो कोरोना की स्थिति है फिर से बिगड़ रही है और सरकार ये तो सरकार को सारी चीजों को मद्देनजर देखते हुए ये फैसला लेना है कि ये जो योजना को बढ़ाना चाहिए या नहीं बढ़ाना चाहिए, क्योंकि ये एक पॉलिटिकल डिसीजन है और साथ साथ में सोशल डिसीजन भी है। तो क्योंकि फिर से ये लॉकडाउन हो रहा है, पार्शियल लॉकडाउन की स्थिति बन रही है, तो सरकार को इससे एक फैसला लेना होगा। लेकिन ये जैसा आपने बताया कि ये विश्वसनीय सूत्रों से मालूम पड़ रहा, जो सूत्रों से मालूम पड़ रहा है कि ये योजना एक्सटेंड होगी, तो वो हमें भी ऐसी जानकारी मिल रही है कि 31 मार्च तक ये योजना आगे बढ़ाई जा सकती है। अगर ये योजना 31 मार्च तक होगी तो डेफिनेटली अच्छा, जो चना जानकारी मिली है, हमको भी जानकारी ऐसी मिल रही है, लेकिन ये कितनी सच्चाई है इसमें, ये तो सरकार के, आपने हमारी खबर पे मुहर लगाई है। हमें तो सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली थी कि ये योजना की समय सीमा बढ़ाई जाएगी। टाइमलाइन का हमें अंदाजा नहीं था कि कितनी बढ़ाई जाएगी। तो आपने इसमें एक चीज और ऐड कर दिया है कि आपको भी ये जानकारी है कि हाँ, ये जो मुफ्त योजना है सरकार की गरीबों को अनाज देने की, दाल देने की, आपने भी कहा कि आपके पास भी ये जानकारी है कि योजना बढ़ेगी, और आपने कहा कि 31 मार्च तक इसे बढ़ाई जा सकती है। अब मेरा दूसरा सवाल आपसे ये होगा विमल कोठारी जी, कि क्या अनाज की सप्लाई को लेकर कोई दिक्कत तो नहीं आएगी? क्या चना है, क्योंकि 1 किलो चना देना है गरीबों को, तो क्या चने का स्टॉक है और बाकी अनाज का है, गेहूं का, चावल का स्टॉक है, क्या कहेंगे आप? देखिए, नेफेड के पास पर्याप्त स्टॉक है चने का, तो चने में तो मुझे कोई ऐसा नहीं दिखता है कि अगर 1 किलो की जो योजना सरकार अगर इसको कंटिन्यू करे, क्योंकि 2-2.5 महीने बाद में हमारे यहाँ नई क्रॉप आ जाएगी, तो इसलिए अगर सरकार 31 मार्च तक भी करती है, जो लगभग समझिए अगले 4 महीने हैं, तो नई क्रॉप से भी हमारे यहाँ माल की अवेलेबिलिटी हो जाएगी। इन द मेन टाइम अभी जो यहाँ पे हमारे पास जो नेफेड के पास स्टॉक है, उससे आराम से इसमें योजना में अगर ये चना का वितरण किया जाए तो मुझे कोई ऐसी सुविधा नहीं दिखती है। जहाँ तक गेहूं और चावल का स्टॉक का सवाल है, गेहूं और चावल हमारे पास पर्याप्त है, उसमें से अगर ये योजना सरकार देती है तो कोई इसमें असुविधा नहीं है। अभी खाली ये देखना है कि सरकार को निर्णय लेना है इसमें कि जो अभी करेंट सिचुएशन कोरोना लॉकडाउन की बन रही है, उसमें क्या है, सोशल और पॉलिटिकल डिसीजन उनको लेना है कि किस तरह करना चाहिए। हाँ, ठीक बात। एक चीज मैं आपसे और जानना चाहता हूँ कि इससे चने के प्राइस के ऊपर क्या इम्पैक्ट आएगा अगर ये फैसला आ जाता है तो? चने के प्राइस, मृत्युंजय जी, ऐसा है कि हमारे यहाँ भी चने की बहुत ज्यादा, अगर आप देखें, बहुत ज्यादा स्टॉक नहीं है, तो बहुत कमी भी नहीं है। जितना चना हमें नेक्स्ट 2-2.5 महीने में चाहिए, उतना चना लगभग हमारे पास है। और लेकिन चने में कोई मंदी नहीं है, हालांकि ऊपर के भाव में चने में 4-5 रुपए किलो की मंदी आई, लेकिन मैं अभी समझ रहा हूँ कि चने के भाव जो है
इन लेवल्स पे स्थिर रहेंगे, इनसे चना कुछ अगले महीने में कुछ मैं समझता हूँ कि इसमें 2-3 रुपए के प्राइस का इजाफा आएगा, बहुत बड़ा इजाफा देखने को नहीं मिलेगा। और सरकार भी चाहती है कि ये इजाफा बना रहे कि MSP के ऊपर प्राइस रहे, तो क्योंकि अभी हमारे यहाँ जो सोइंग हुई है, प्लांटिंग हुई है, तो इससे क्या है, किसानों को भी इसमें एक एनकरेजमेंट मिलेगा और जब सामने क्रॉप आएगी तो उनको MSP के ऊपर, उनको जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस के जो भाव है, किसानों को उपलब्ध हो जाएंगे। तो सरकार भी चाहती है कि ये MSP या MSP से कुछ ऊपर बना रहे, तो ये सिचुएशन मुझे इसमें कोई मंदी नहीं लगती है, लेकिन बहुत ज्यादा ऐसा भी नहीं लगता कि कोई 10 रुपए किलो की तेजी आ जाएगी, ऐसा भी नहीं लगता था। 4-5 रुपए किलो के 4-5 रुपए के अभी 50-51 रुपए के भाव है, 55-56 रुपए के इस रेंज बाउंड में ये प्राइस चलते रहेंगे। अच्छा, आप कहें 3-4 रुपए दाम बढ़ सकते हैं, कोई बड़ी तेजी भी नहीं आएगी और गिरावट तो आएगी ही नहीं। बहुत शुक्रिया विमल कोठारी जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खबर पर अपनी राय देने के लिए। बड़ी खबर इस वक्त की आप देख रहे हैं और इस पर विमल कोठारी ने भी मुहर लगाई है, IPGA के वाइस चेयरमैन हैं, इनके पास भी ये जानकारी है कि गरीब कल्याण अन्न योजना की समय सीमा बढ़ सकती है। उन्होंने कहा कि 31 मार्च तक बढ़ाए जाने की संभावना है। और अब रुक करते हैं आज की दूसरी बड़ी खबर की, और दूसरी बड़ी खबर है एडेबल ऑयल पर इम्पोर्ट ड्यूटी को लेकर। सरकार ने क्रूड पाम तेल यानी CPO पर इम्पोर्ट ड्यूटी 10% घटा दी है और 37.5% से घटाकर इसे 27.5% कर दिया गया है। पिछले 6 महीने में 40% तक पाम तेल के दाम बढ़ गए थे और बाकी तेलों के दाम भी बढ़े थे, लिहाजा खाने के तेल की कीमतों को काबू में रखने के लिए सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया है। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ सी के प्रेसिडेंट अतुल चतुर्वेदी हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मेरा पहला सवाल आपसे चतुर्वेदी जी यही होगा कि ये जो इम्पोर्ट ड्यूटी में कमी की गई है CPO पर 10% की, इस कदम को आप किस तरह से देखते हैं? क्या ये स्वागत योग्य कदम है या आपको लगता है कि इस वक्त नहीं किया जाना चाहिए था? नहीं, मैं तो सबसे पहले आपको मुबारकबाद दूंगा मृत्युंजय जी। आप काफी दिन से बोल रहे थे कि बहुत ज्यादा तेलों के दाम बढ़ गए हैं, तो मैं समझता हूँ गवर्नमेंट को थोड़ा लगा कि अब कंज्यूमर को सपोर्ट करना चाहिए, फार्मर को काफी सपोर्ट हो गया है। पर इस पूरे इसमें मेरे को एक ही चीज जो नहीं समझ में आई वो ये कि केवल पाम ऑयल पे ही क्यों ड्यूटी घटाई है। अगर घटानी ही थी तो सोया और सनफ्लावर ऑयल पे भी घटानी चाहिए थी। तो ये मेरे को एक चीज थोड़ी अभी असमंजस में डाल रही है कि CPO ही पे अकेले क्यों घटाया है। अगर आपको तेलों के दाम ज्यादा लग रहे थे तो सारे तेलों के दाम ज्यादा थे, तो पर ये डेफिनेटली कंज्यूमर फ्रेंडली है। और मे बी मैं ये कहूंगा कि अभी भाव ऐसे बढ़ चुके थे कि इसको एंटी फार्मर भी कहना मुनासिब नहीं होगा। हाँ, ये आपने अच्छा कहा और मुझे अब तसल्ली हो रही है कि आपको भी ये समझ में नहीं आया कि सिर्फ CPO पे ड्यूटी क्यों घटाई गई है, सोया तेल पर क्यों नहीं। मुझे लग रहा था सिर्फ मैं ही हैरत कर रहा हूँ, मुझे भी ये लग रहा था कि ऐसा क्यों किया गया, तो मुझे लगता हो सकता है कि मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। लेकिन जब आपने ये बता दिया कि आपको भी ये हैरत है कि सिर्फ CPO पर क्यों घटाई गई ड्यूटी, सोया तेल पर क्यों नहीं, अब मुझे थोड़ी तसल्ली हो रही है कि मेरी चिंता भी जायज थी। लेकिन आप सर ये बताएं कि सिर्फ CPO पर ड्यूटी घटाने से बात बन जाएगी क्या? मतलब मैं ये जानना चाहता हूं कि जो कंज्यूमर को राहत देने की बात हो रही है, क्या इससे राहत मिल जाएगी या आपको लगता है कि सोया तेल और बाकी ऑयल पर भी ड्यूटी घटनी चाहिए आगे? नहीं, मेरा तो मानना ये है कि अगर आप अकेले ये पाम पे ड्यूटी घटाएंगे तो पाम का इम्पोर्ट हिंदुस्तान में बढ़ जाएगा और सोया और सन का इम्पोर्ट लाजमी है कि वो घटेगा। तो ये मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं कुछ चूक हुई है। और एज इट इज भी ये ड्यूटी इस टाइम पे घटाई है जबकि मार्केट्स वर्ल्ड वाइड थोड़ा प्रेशर में आ चुके थे। अगर आज आप देखें, आप तो दिन में भी फॉलो करते हैं, आज बाजार काफी इंटरनेशनल मार्केट पाम वगैरह के टूटे थे, तो अकेले पाम को घटाना मेरे को कुछ थोड़ा अटपटा सा लग रहा है। पर देख, पता नहीं क्या गवर्नमेंट की सोच होगी। गवर्नमेंट की सोच ये होगी कि पाम जो है वो थोड़ा गरीब तबका ज्यादा खाता है तो उसको सपोर्ट किया जाए। पर मैं नहीं समझता ये बिल्कुल 100% सही बात है, तो कहीं ना कहीं ये चूक दिख रही है। सोच तो सर ये भी हो सकती है चतुर्वेदी जी,
कि मुझे लगता है कि ये भी हो सकता है कि चूंकि सबसे ज्यादा इम्पोर्ट हम पाम ऑयल का ही करते हैं, तो जिसका इम्पोर्ट ज्यादा होता है वहां पर किया जाए ताकि उसका इम्पैक्ट दिखे भी, ये भी सरकार का मकसद हो सकता है। हाँ हाँ बिल्कुल, ये भी हो सकता है डेफिनेटली, इसमें दो राय नहीं है कि पाम, और जहां तक सीपीओ पर ड्यूटी घटाने का सवाल है, ये अच्छी बात है, और क्योंकि इंडस्ट्री के पास एक्सेस कैपेसिटी ऑलरेडी मौजूद है, तो ये डेफिनेटली सप्लाई चेन को इम्प्रूव करने में मदद तो देगा ही देगा। मैं समझता हूँ उस हिसाब से फ्रॉम इंडस्ट्री साइड तो हम लोग इसको वेलकम ही करेंगे। अब हम बात करते हैं गोल्ड की, और गोल्ड का मार्केट इस वक्त करीब करीब 170 रुपए ऊपर है, और चांदी में बिल्कुल रेंज में ट्रेड हो रहा है, और एक बार चांदी फिर से 60,000 के नीचे आ गई है। हिमांशु जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि गोल्ड में क्या आज शाम के लिए कुछ बाइंग का मौका आपको दिख रहा है? 48,681 का लेवल है, क्या किया जाए इस लेवल पे? गुड इवनिंग मृत्युंजय जी। देखिए मृत्युंजय जी, मेरा मानना है कि अभी भी गोल्ड में जो बॉटम है वो शायद अभी नहीं बना है, तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर थोड़ी सी और रिकवरी अगर बनती है 100-150 रुपए की, यानी कि 48,800, 48,900 के दायरे में, तो बल्कि वहां पर मुझे लगता है कि वापस से थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर आते हुए देखने को मिल सकता है। और आज और कल के सेशन में मुझे मेरा ऐसा मानना है कि वापस से बाजार 48,500, 48,300 की तरफ नीचे की तरफ फिसलता हुआ देखने को मिल सकता है। तो फिलहाल आज के लिए स्ट्रेटेजी मेरा ऐसा मानना है कि यहाँ से अगर 100-150 रुपए की कोई एक और उछाल देखने को मिलता है तो वहां पर शॉर्ट पोजीशन बनाई जा सकती है। 49,100 के ऊपर का एक स्टॉप लॉस लगाएं, और कल तक के लिए मुझे ऐसा लगता है कि 48,500, 48,300 तक के टारगेट्स गोल्ड में देखने को मिल सकते हैं। अच्छा, ये राय आपकी गोल्ड के ऊपर कि गोल्ड में अभी आपको करना क्या है, आपका व्यू क्या है सुनंद, गोल्ड पर पोजिशनल ट्रेड के लिहाज से क्या किया जाए गोल्ड में? देखिए मृत्युंजय जी, अगर बात अगर गोल्ड की करें तो गोल्ड में मैं अभी भी सेलिंग साइड पे मैं एक्सपेक्टेशन रख रहा हूँ। हालांकि कल यूएस के इकोनॉमी डेटा थोड़ा सा नेगेटिव था जिसकी वजह से गोल्ड में थोड़ा सा सपोर्ट मिला था, बट देन मार्केट का ट्रेंड अभी भी देखते हुए गोल्ड में अभी उतना खास डिमांड नहीं है, ना ETF में है ना ही डोमेस्टिक मार्केट में है दिवाली सीजन होने के बाद। तो मेरा राय भी वही है कि 49,000 के जो लेवल से थोड़ा सा कल अगर शॉर्ट टर्म में देखने को मिला तो वहां पे एक सेलिंग लेवल बनते हुए दिखाई दे रहा है। 49,300 पे एक स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हो, और मेरा भी टारगेट वही है 48,400, 48,300 से नीचे डाउन से देख सकते हैं। अगर कोई पोजीशन कल के शाम तक के कारोबार तक रखना चाहते हैं या अगले हफ्ते तक रखना चाहते हैं तो 47,900 तक में नेक्स्ट वीक में एक्सपेक्टेशन रख रहा हूँ। गोल्ड में और गिरावट और भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो ये राय है आपकी गोल्ड पर कि गोल्ड में अभी क्या करना चाहिए। चांदी पर हिमांशु जी, क्या व्यू है आपका, चांदी में क्या करें? जी मृत्युंजय जी, देखिए सिल्वर में भी गोल्ड की तरह ही मुझे लगता है कि ये जो आज के सेशन में उछाल देखने को मिला है ये सिर्फ एक काउंटर ट्रेंड रैली है, और हायर लेवल्स पे लगभग 60,200, 60,400 के रेंज में सिल्वर में भी यहाँ पर सेलिंग प्रेशर आते हुए देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर भी मुझे लगता है कि 60,200, 60,400 के दायरे में शॉर्ट पोजिशन बनाई जा सकती है। कल तक के टारगेट्स 59,500, 59,400 के देखने को मिल सकते हैं, और मेरा ऐसा मानना है कि बॉटम आउट होने से पहले सिल्वर में कहीं ना कहीं 58,000 से लेकर 57,000 तक के लेवल्स सिल्वर में देखने को मिल सकते हैं। तो फिलहाल पोजिशनल परस्पेक्टिव से भी मुझे लगता है कि अभी थोड़ा सा और वेट किया जा सकता है, और वहां पर 58,000 के आसपास एक बार पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से खरीदारी के लिए मन बनाया जा सकता है। ठीक है, चलिए अब शुरू करते हैं सवाल जवाब। पहला सवाल है कैलाश चंद्र मोदी का, सदलपुर से हैं हमारे साथ, पूछिए कैलाश जी। नमस्कार सर। सर मैंने कॉपर 50 रुपए 25 पैसे में 5 लॉट बेचे थे, 5 लॉट मैंने फिर 56 रुपए 50 पैसे में बेच दिए। सर अब क्या करना चाहिए, मेरे तो हेवी लॉस लग रहा है। बताइए क्या करना चाहिए हिमांशु जी इनको। देखिए मृत्युंजय जी, वैसे तो ट्रेंड अभी तक सभी बेस मेटल्स का और पर्टिकुलरली कॉपर का तेजी का ट्रेंड है, लेकिन आर्ली चार्ट पर एक एक बियरिश साइन यहाँ पर आर्ली चार्ट पर कॉपर में बनता हुआ नजर आ रहा है, जिसको हम राइजिंग वेज बोलते हैं यहाँ पर। तो उसके चलते हुए मुझे ऐसा लगता है कि आज या कल तक के सेशन में थोड़ा सा यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग या फिर एक सेलिंग प्रेशर बनता हुआ नजर आ सकता है, लेकिन अभी उसका कोई कंफर्मेशन नहीं है। अभी तक यहाँ पर तेजी का ट्रेंड बना हुआ है,
इनकी पोजीशन के लिए मेरा एक स्ट्रिक्ट इनके लिए सलाह रहेगी कि 566 या 567 रुपए के ऊपर का एक क्लोजिंग बेसिस पर फ्राइडे की सेशन को वॉच आउट करें। अगर वीकली क्लोजिंग 565 रुपए के ऊपर हो रही हो या फिर लास्ट के एक या दो घंटे में बाजार उसके ऊपर ही बंद हो रहा हो तो ये अपनी शॉर्ट पोजीशन से एग्जिट करें। लेकिन अगर कल तक के सेशन में बाजार 565 के लेवल से वापस गिरावट दिखाना शुरू करता है और 560 के नीचे की वीकली क्लोजिंग यहाँ पर कॉपर में देखने को मिलती है तो मेरा ऐसा मानना है कि नेक्स्ट वीक के लिए अपनी पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं और अगले हफ्ते में मुझे लगता है कि इनको इनके भाव देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, अगला सवाल है राहुल का, हिसार से हैं हमारे साथ, पूछिए राहुल। सर नमस्कार जी। हेलो, नमस्कार, पूछिए। सर मैंने दिसंबर गोल्ड पूछे गोल्ड 52,300 में बाय किया हुआ है और मस्टर्ड का पे एक सवाल है, मस्टर्ड पे मैंने 50 रुपए में खरीदा हुआ है। अच्छा ओके, बताइए क्या करना चाहिए सुनंद। अगर बात अगर गोल्ड की करें तो गोल्ड का ट्रेंड अभी भी काफी वीक है, तो 52,300 तो बहुत हाई लेवल है, एक काफी स्ट्रॉन्ग लेवल पे उन्होंने लिया था उस टाइम पे, तो एक शॉर्ट कवरिंग पे अगर मिला है तो उन्हें एग्जिट कर लेना चाहिए क्योंकि ट्रेंड ओवरऑल ट्रेंड अभी भी काफी नीचे की तरफ दिखाई दे रहा है। मेरा मानना है कि 49,000-49,300 के लेवल के ऊपर ब्रेक नहीं होना चाहिए और आने वाले दिनों में जैसे मैंने कहा था 47,900 तक देख सकते हैं, तो मेरा राय है कि गोल्ड में ऊपर की तरफ एग्जिट कर लेना चाहिए, वो बेटर रहेगा ज्यादा लॉसेस बनाने के बदले। और दूसरा, कल उन्होंने शायद मस्टर्ड के बारे में बात की, तो मस्टर्ड के बारे में बात करें तो ट्रेंड तो अभी बैरिश हो गए। हाँ, जैसे अभी रिसेंट न्यूज का है CGO का तेल का दाम गिरना चालू हो गया है, उसके साथ साथ मेरा भी ये मानना है कि मस्टर्ड तेल का भी जो दाम जो इतने दिनों से ऊंचाई पर था उसमें भी हमें गिरावट देखने को मिलेगा क्योंकि वो भी एक कॉम्पिटेटिव वेजिटेबल ऑयल है। और दूसरी बात यह है कि इस साल जो मस्टर्ड का सोइंग है जो पिछले हफ्तों में थोड़ा सा लैगिंग चल रहा था, काफी अच्छा रिकवरी देखने को मिला था, इस वीक में 8% से ज्यादा सोइंग बढ़ोतरी देखने को मिला था ऑल इंडिया के रिपोर्ट के हिसाब से, खासकर राजस्थान और मध्य प्रदेश में, जिसके वजह से मंदी देखने को मिलेगा। तो मेरा राय मस्टर्ड में है कि आप सेलन राइज करके चलिए, तो 58,500 के लेवल पे अगर थोड़ा सा कल रैली देखने को मिला तो वहां पे आप सेल कर लीजिए। नियर टर्म पे टारगेट 5700 तक आप रख सकते हो, लॉन्ग टर्म में 5600 पे रख सकते हो, और अगर आप स्टॉप लॉस रखना चाहते हो तो 6000 के लेवल पे आप स्टॉप लॉस रख सकते हो। ओके ठीक है, इस पर आप नजर रखिए कि क्या करना है। अगला सवाल राजस्थान से आ रहा है, पूछिए सर। हाँ सर नमस्कार। सर जी अगले दो महीने में ग्वार के बारे में जानना चाहते हैं, 3500 आएगा या 4500 अगले दो महीने में? अगले दो महीने में 3500 या 4500, बताइए सुनंद। ग्वार का ट्रेंड देखा जाएगा तो हमने जो कुछ दिनों से काफी गिरावट देखने को मिला था वो थोड़ा सा डिमांड कंसर्न के वजह से गिरावट देखने को मिला था, दिवाली सीजन होने के बाद काफी डिमांड कम था, खासकर ग्वार गम का एक्सपोर्ट में अभी भी स्लगिश चल रहा था क्योंकि COVID-19 सिचुएशन में जो यूरोपियन और यूएस मार्केट्स में एक्सपोर्ट होने वाले थोड़ा सा सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन देखने को मिला था, तो उस वजह से काफी गिरावट देखने को मिला था। बट मेरा मानना है कि 3800 या 3600 के लेवल पे फिर से थोड़ा सा एक अच्छा बाइंग देखने को मिलेगा क्योंकि इस साल का जो उत्पादन है वो काफी कमजोर है पिछले साल के कंपैरिजन, करीबन 19-20% कमजोरी देखने को मिलेगा। तो दो महीने के बाद मेरा मानना है कि जनवरी के अंत तक 31 जनवरी तक 4500 तब हम देख सकते हैं, 4500 का लेवल हमें देखने को मिलेगा। ओके, अगला सवाल है प्रवीण का, हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवीण पूछिए। हेलो। हाँ सर। जी जी पूछे। सर मेरा क्वेश्चन ये है, $1800 इंटरनेशनली गोल्ड है और चांदी $23 अभी खड़ी है, जबकि लास्ट टाइम $1800 से चांदी $18 आती थी, $1900-$19 के आसपास चल रही थी, तो क्या चांदी में गिरावट ज्यादा आएगी अब अगर सोना गिरता है तो? ओके चलिए, अच्छा सवाल आपने पूछा है, बताइए हिमांशु जी, चांदी में गिरावट ज्यादा आने की संभावना दिख रही है क्या? मृत्युंजय जी देखिए, पहली बात तो यह है कि सिल्वर हमेशा से गोल्ड के कंपैरेटिवली ज्यादा वॉलेटाइल रहती है,
तेजी में भी हमने देखा कि जब चांदी में तेजी आई तो काफी तेज तेजी आई गोल्ड के कंपैरेटिवली, हालांकि लेट कैचअप किया लेकिन जब आई तो काफी तेज रैली आई। और जहां तक गिरावट की बात है तो मृत्युंजय जी, ऐसा अभी करंट टेक्निकल और फंडामेंटल्स को देखते हुए ऐसा लगता है कि गोल्ड में कहीं ना कहीं $1780 के आसपास यहाँ पर नियर टर्म में बॉटम आउट गोल्ड शायद होता हुआ देखने को मिल सकता है, लेकिन सिल्वर में ऐसा मुझे लगता है कि $21 तक की भी प्राइसेस में गिरावट देखने को मिल सकती है। इंडियन टर्म्स में बात करें तो मेरा ऐसा मानना है कि 57,000 तक के लेवल्स गोल्ड सिल्वर में एक बार शायद देखने को मिले हमें। तो करंटली ये देखते हुए मेरा ऐसा मानना है कि शायद यहाँ पर अभी गोल्ड के कंपैरेटिवली सिल्वर में थोड़ी सी नियर टर्म में गिरावट ज्यादा देखने को मिल सकती है। ठीक है, और अब वक्त है रैपिड फायर राउंड का। हिमांशु जी, आपकी पहली रैपिड फायर कॉल। जी मृत्युंजय जी, गोल्ड में यहाँ पर 48,900 के लेवल्स पर शॉर्ट पोजीशन बनाई जा सकती है 49,200 के स्टॉप लॉस के साथ, 48,300 तक के टारगेट गोल्ड में देखने को मिल सकते हैं। आपकी कॉल सुनंद जी। अगर मेरा रैपिड फायर कॉल के लिए है कि जीरा में सेलिंग करके चलना चाहिए, 13,900 के लेवल्स पे एक सेलिंग बनते हुए दिखाई दे रहा है, 14,100 के लेवल्स पे आप स्टॉप लॉस रख सकते हो और 13,500 का आप टारगेट रख सकते हो। ओके, आपकी आखिरी कॉल हिमांशु जी। क्रूड ऑयल में मुझे लगता है कि यहाँ पर खरीदारी करके चला जा सकता है 3,300 के आसपास, 3200 का स्टॉप लॉस लगा के 3,400 तक के टारगेट क्रूड में देखने को मिल सकते हैं। ठीक, बहुत शुक्रिया आप दोनों का बताने के लिए कमोडिटी में कहां पर कमाई के मौके बनेंगे।